अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी की बहुत बड़ी शॉकिंग अपडेट सामने निकल के आ रही है। आज माह रमजान का दूसरा दिन है। आज पहलगाम में एक बूढ़े आदमी के साथ क्या हुआ, लोगों ने उसके साथ क्या किया, खुलेआम उसकी इज्जत को उछाला, वो भी सोशल मीडिया पे। दोस्तों इस वीडियो को स्किप मत करना, इस वीडियो का अंत तक देखना। ये कश्मीरी यूथ के लिए इम्पोर्टेंट मैसेज है। एक ऐसा बुजुर्ग इंसान जो आज पहलगाम गया था, वहां पे वो पैसा जमा करने के लिए जब गया था, उसके हाथ में एक फेक रसीद बुक थी। अगर वो सच्ची मस्जिद के लिए पैसा जमा कर रहा था, उसके हाथ में फेक रसीद बुक नहीं होनी चाहिए। आखिर इसकी सच्चाई क्या है, के लोगों ने इसको लाइव पढ़ा और सोशल मीडिया पे डाला, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आपको सब कुछ समझ में आएगा, आखिर सच क्या है, झूठ क्या है। वीडियो को स्किप मत करा, वीडियो को एंड तक देखिए। कश्मीरी यूथ के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज है। वीडियो के दिखाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग मेरी वीडियो को देखते बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज जरा सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन पर प्रेस करना। आपको जम्मू कश्मीर की हर एक न्यू अपडेट इस चैनल में मिलती रहेगी। मगर रसीद बुक مجید شریف خاطر चलो दोस्तों, आप लोगों ने वायरल वीडियो क्लिप देखा ही होगा। दोस्तों इस वीडियो को स्किप मत करना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। आपके एक शेयर का वीडियो उन लोगों तक भी पहुंच सकता है जो इसकी जांच कर सके, उसके बाद ये पता लगा सके आखिर ये सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, क्योंकि किसी की इज्जत के साथ खेलना ये गलत बात है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। कश्मीर में कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन कोई ना कोई हादसा होता रहा। आज माह रमजान का दूसरा दिन है, आज एक बुजुर्ग इंसान के साथ ऐसा हुआ, ये गलत बात है। इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलता है वो आपको इसी चैनल पर मिलेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।